कैसे हैं जी आप? ठीक है? बस आवाज आ रही मेरी? अच्छा अच्छा चले, सही सही। अच्छा, थर्सडे वाले दिन आपकी 12 बजे के बाद भी क्लास होती है? अच्छा, चले, ऐसा मुमकिन है कि हम ये क्लास एक दिन कर ले, 2 2 आवर की किसी दिन? नहीं, आज तो नहीं, टाइम टेबल के हवाले से चले देखते हैं। कल तो यार मुश्किल है, कल थोड़ा मैं शायद मसरूफ होऊंगा, लेकिन मैं इंटीमेट करूंगा पहले आपको जब भी हमने क्लास देनी होगी ना, क्योंकि एक दो क्लासेस हमारी वो इंटरनेट की वजह से हमारी रह गई थी, कनेक्शन की वजह से, नेट कनेक्शन की वजह से, तो वो हमने लेनी है मेकअप क्लासेस। नहीं वो हम इस तरह, नहीं, वो हम इस तरह करेंगे कि फ्राइडे को या थर्सडे को कंटिन्यू कर देंगे ना, मतलब हमारी 1 घंटे की क्लास होती है, हम उसमें 2 घंटे की ले लेंगे, वो इस तरीके से रोजाना बनाएंगे। चले जी, सर अभी लेटेस्ट तक हमने स्टार्ट। पढ़ा क्या है क्लास में? हाँ, अभी तक हमने जो पढ़ा है, वी हैव स्टडीड अबाउट द राइट ऑफ मुस्लिम सेपरेटिज्म इन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा, कैसे जनाब इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमने शुरू किया, कि कैसे इंडस सिविलाइजेशन वैली सिविलाइजेशन थी वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। फिर हमने ये एनालिसिस किया कि बाकी जितनी भी नेशन आई, कौमें आई, लोग आए, दे अब्सॉर्ब इन इंडियन सोसाइटी, बट मुस्लिम वर द ओनली एक्सेप्शन। मुस्लिम डिड नॉट अब्सॉर्ब इन दैट सोसाइटी एंड दे मेंटेन देयर सेपरेट आइडेंटिटी। तो हमने ये पढ़ा कि मुसलमानों ने अपनी सेपरेट आइडेंटिटी शुरू से ही, जिस दिन से वो सब कॉन्टिनेंट में आए, उन्होंने अपनी बरकरार रखी। ठीक है जी। अच्छा, मुसलमान और जहाँ की जो दूसरी बाकी कौमियत थे, मुसलमान उनसे मुख्तलिफ थे, मुसलमानों का रहना सहना मुख्तलिफ, मुसलमानों का घर बनाने का अंदाज मुख्तलिफ, मुसलमान दूसरी कौमों के साथ शादी नहीं करते थे, उनका लिबास मुख्तलिफ। ठीक है जी। Each and everything were different in the way of living, religion, हर चीज जो है ना, in even heroes, their heroes were quite different from that of the other communities residing in the subcontinent. So that was the reason कि मुसलमान अलग थे। फिर हम देखते हैं कि अंग्रेज जब यहाँ पे आ जाते हैं, मुसलमान तो जब यहाँ पे रहे बतौर हुक्मरान ही रहे हैं, जी रूलर ही रहे हैं, यानी मुसलमानों की जो हुकूमत है वो इंडिया में या हिंदुस्तान में 1206 से लेके 1857 तक रही है। मुस्लिम रूलर ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो उस दौर में मुसलमानों को कोई एहसास नहीं था कि यानी इस तनाजुर में कि वो अपने एक अलहदे कौमियत की बुनियाद पर अपने हकूक के बारे में करें, क्योंकि ऑलरेडी वो तो खुद हुकूमत में थे। लेकिन जब यहाँ पे अंग्रेज आ गए तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जब अंग्रेज आते हैं तो हिंदुस्तान 2 कौमों में बट जाता है। एक के बारे में कहा जाता है कि ये हैं जनाब अंग्रेज जो कि बाहर से आए हैं, जो कि रूलर हैं, और दूसरे विच वर रूल्ड दे वर इंडियंस, उन तमाम को इंडियंस कहा गया। इसे कहते हैं हम इंडियन नेशनलिज्म, पिछली क्लास में हमने डिस्कस की। अच्छा, फिर इंडियन नेशनलिज्म जो है इसी से पैदावार हुई टू नेशन थ्योरी की, मुस्लिम नेशनलिज्म की। बहुत सारे लोग जिनमें सर सैयद अहमद खान भी शामिल थे, उन्होंने ये दावा किया कि नहीं भाई, तमाम इंडियंस एक कौम नहीं है, बल्कि इंडियंस जो हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू नेशंस एंड मुस्लिम्स आर सेपरेट नेशन। हिंदुस्तान में जो रहने वाले लोग हैं वो तमाम के तमाम लोग एक कौम नहीं हैं, बल्कि हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं इनमें एक तो हिंदू हैं और दूसरे मुसलमान हैं, मुसलमान जो हैं वो अलग कौम है। ठीक है ना जी। तो ये टू नेशन थ्योरी की बुनियाद बनी। टू नेशन थ्योरी की बुनियाद यही है कि मुसलमान एक अलग कौम है, हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमान एक अलग कौम है। ठीक है। तो हमने ये चीजें पढ़ी हैं कि क्या पढ़ा जी, राइज ऑफ मुस्लिम सेपरेटिज्म के बारे में हमने पढ़ा कि मुसलमानों का सेपरेशन का, अलहदगी का, कि हम एक अलहदा हैं, ये कैसे उभरा ना।
अंग्रेजों की पॉलिसीज की वजह से भी उभरा कि कुछ अंग्रेज भी जीत जाते थे, कुछ थे कि मुसलमान, मैंने आपको बताया कि शुरू से वो एक अलहदा कौम थे बिल्कुल, लेकिन कुछ अंग्रेजों की भी पॉलिसी ऐसी रही कि उन्होंने जान बूझ के ये कोशिश की कि हिंदुस्तान के तमाम हिंदू जो है ना वो मुतहद कौमी है जिसे कहते हैं ना हिंदुस्तान की कंपोजिट नेशनलिज्म, वो ना उभरे बल्कि ये हिंदुस्तान में रहने वाले लोग मुख्तलिफ कौमियतों में तकसीम हो जाए ताकि हम इन पर आसानी से हुकूमत कर सकें। मुस्लिम नेशनलिज्म ऐसे ऐसे इकदाम किए कि जिससे मुस्लिम सेपरेटिज्म को या मुस्लिम नेशनलिज्म को या टू नेशन थ्योरी को तकवीत मिली, जानबूझ के उन्होंने कुछ इकदाम ऐसे किए जो कि हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, मसलन जो है ना उन्होंने कहा जी कि मुसलमानों के लिए कोटा मुकर्रर कर दिया कि तमाम नौकरी में मुसलमानों का वन थर्ड कोटा होगा, ठीक है जी, और उन्होंने जानबूझ के सेपरेट इलेक्टोरेट मुतारिफ कराया। सेपरेट इलेक्टोरेट से क्या मुराद है कि भाई एक हल्के में इलेक्शन होंगे तो अगर एक एरिया में या एक सूबे में वहां पे अगर 100 सीटें हैं तो वहां पे मुसलमानों की सीटें अलग होंगी और पूरे हिंदुस्तान के मरकज में जो सीटें थी, जो मरकज की सीटें उनमें वन थर्ड मुसलमानों के लिए मुख्तस की गई, इन पे मुसलमान ही लड़ेंगे और मुसलमान ही इनको वोट देंगे। इसे कहते हैं मुस्लिम, इसको कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, जुदागाना इंतखाबात के। और इससे क्या हुआ, इससे मुस्लिम सेपरेटिज्म जो है ना उसको हवा मिली। मुस्लिम सेपरेटिज्म वाज एमर्ज ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। कि अब इससे क्या हुआ जी कि अब भाई बात यह है कि एक मुसलमान कैंडिडेट खड़ा होता है और उसने इलेक्शन जीतना है तो मुसलमानों की वोटों से जीतना है, डेफिनेटली वो मुसलमानों से वोट मांगेगा, मुसलमानों के हकूक का ख्याल करेगा, मुसलमानों के मफादात का ख्याल करेगा। इसी तरह एक हिंदू है और उसने हिंदू के वोट से जीतना है तो मुसलमानों के हकूक का क्यों ख्याल करेगा। नतीजे ये हुआ इससे मुस्लिम सेपरेटिज्म को और ज्यादा तकलीफ मिली। अगर होता ये कि भाई एक है वहां पे आपने खड़ा होना है, आपको हिंदू ईसाई सब लोगों ने वोट डालना है तो फिर आप तमाम लोगों के मफादात के लिए काम करते ना, लेकिन अगर आपको एक एक सर्टन कम्युनिटी ने डालना है तो फिर आप उसके लिए काम करेंगे। तो ये सूरत हाल थी। तो ये जुदागाना इंतखाबात जो है अगरचे मुसलमानों के लिए फायदा था, इट वाज वेरी बेनिफिशियल फॉर द मुस्लिम नसाब कैंडिडेट, बट ऑन द अदर हैंड इट हैड स्ट्रेंथन द मुस्लिम सेपरेटिज्म और इट वाज द पार्ट ऑफ द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स। ये बरतानिया की जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी कि तकसीम करो और इन लोगों पे हुकूमत करो, इसका एक हिस्सा थी। फिर हम देखते हैं कि तकसीम बंगाल होता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन 1905। तो तकसीम बंगाल जो होता है, पार्टीशन बंगाल की, बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू टू प्रोविंसेस, तो ये भी जो है ना वो भी जानबूझ के एक कोशिश थी कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान तफरीक डालने, ठीक है जी। अंग्रेजों ने जानबूझ के मुसलमानों के एक अलहदा सूबा बना दिया ताकि ये आपस में लड़ाई करें, और ये सूरत हाल थी। अच्छा एक मिनट की जरा, आवाज आ रही है जी? You are now unmuted. Yes sir, आवाज आ रही है। You are now muted. You are now unmuted. हेलो, अच्छा जी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि यही सूरत हाल थी कि अंग्रेज खुद चाहते थे कि हिंदुस्तान के लोग तकसीम हो, उन्होंने खुद मुस्लिम नेशनलिज्म जिसे आप कहते हैं ना कि मुसलमान एक अलग कौम है, एक्चुअल आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने भी शुरू में इसको सपोर्ट किया, क्योंकि अंग्रेज ये चाहते थे कि भाई मैंने सर आपको पिछली क्लास में बताया कि हिंदुस्तान के लोग तकसीम रहें, हिंदुस्तान के लोग मुतहद ना हों, अगर ये मुतहद हो गए तो ये हमारे लिए मसाइल पैदा करेंगे, ये आपस में लड़े मरे हैं, इनके आपस में मसाइल रहे हैं ताकि हम आसानी से पूछ सकें, ठीक हो गए। तो हमने जी राइज ऑफ मुस्लिम नेशनल सेपरेटिज्म पढ़ा, टू नेशन थ्योरी के बारे में हमने फिर डिस्कस किया कि ये जो है ना, एक मिनट जरा
You are now unmuted. यार सबर कर जाएगा। पहले अपना माइक बंद किया, पहले अपना माइक बंद किया करो और फिर सबको बोलो कि माइक ऑफ करे। आपका माइक सबसे ज्यादा ऑन होता है। तो पहले आपको मेरी आवाज आ रही है? पहले अपना माइक बंद करें। आप सबर किया करें। सबसे ज्यादा आपका माइक ऑन होता है। तो फेल आप क्यों कह रहा हूँ? और जहां तक स्टूडेंट्स की बात तो ये आप बताएं। You are now unmuted. You are now unmuted. आपने कहा था कि LMS बहुत अच्छा है तो उस पे स्टूडेंट्स आसानी से ऐड होते हैं, तो आप स्टूडेंट से पूछें कि क्यों नहीं ऐड हो रहे। You are now unmuted. अच्छा जी, सॉरी यार थोड़ा मसला बन गया। अच्छा तो हाँ, बस ये मैं आपको बता रहा था कि हमने मुस्लिम सेपरेटिज्म के बारे में अभी तक पढ़ा है। आपने सवाल किया है टू नेशन थ्योरी के बारे में, मुख्तसर हमने पढ़ा टू नेशन थ्योरी और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, दीज आर द सिमिलर थिंग ऑलमोस्ट। ठीक है जी, कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज बेस्ड ऑन टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी के बारे में हम पिछली क्लास में भी डिस्कस किया। देन वी हैव डिस्कस अबाउट द टू नेशन थ्योरी एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान with reference to Sir Syed Ahmad Khan. Sir Syed Ahmad Khan was the first person who supported or propagated the two nation theory in a true sense, and he was the first person who used the word nation for the Muslims of subcontinent. That we have discussed in our previous classes. ठीक है जी, तो ये चीजें जी हमने पढ़ी हैं, और आज हम पढ़ेंगे टू नेशन थ्योरी reference to Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, ideology of Pakistan and two nation theory with reference to Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah. Aur isme hum ye padhenge ki Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, who was the great propagator of composite nationalism, and he was the once who was the, you can say, the rival or opposite of two nation theory. How he come up to our two nation theory, and he come to the conclusion that Muslims of the subcontinent are a single nation, they are a united nation. So hum Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah ke bare mein padhenge, unki thodi si biography ke bare mein aaj ke lecture mein discuss karenge, aur unke bare mein hum ye padhenge ki kaise Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah two nation theory ki janib aaye, kyunki wo shuru mein two nation theory ke haq mein nahi the. Unka ye khayal tha ki Hindustan mein rehne wale, Hindustan mein basne wale tamam afraad ek honge, lekin with the passage of time he concluded that no, the Muslims are a separate nation. So, इसके बारे में हम discuss करेंगे। यहाँ तक आपको सवाल हो तो ठीक है, जिन्हें हम Qaid Azam के बारे में शुरू करते हैं। You are now unmuted. Any question, please? At Karachi, his first father belonged to the state of Kathiawar. ठीक है, काठियावार में एक रियासत थी गोंदल, और उस गोंदल रियासत में एक विलेज था विच नेम एज पनीली। तो द फाउर फादर ऑफ Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah बिलोंग टू दैट एरिया। हिंदुस्तान में एक स्टेट है गुजरात, यकीनन आपने सुना होगा। गुजरात स्टेट में एक कॉन्फेडरेशन है मुख्तलिफ रियासतों की, काठियावार, और काठियावार के अंदर एक काठियावार में मुख्तलिफ रियासतें थी, चंद रियासतें थी, उनमें एक रियासत थी गोंदल,
और उस गोंडल रियासत का एक गांव था पनीली, तो कहते आदम मोहम्मद जुना के जो फोर फादर थे वो इस इलाके के रहने वाले। You are now unmuted. आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी आ रही जी। जी सर दोबारा बताएं काठियावाड़ से आगे क्या कह रहे थे आप, समझ नहीं आया। मैंने कहा हाँ मैं I will repeat, I am talking about Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah and I am telling you about, please mute your mic. You are now muted. आपकी जी एक स्टूडेंट बोला मेरे साथ से बिता जी जी असल में आपकी जी सही है आप बस एक ही बोला तेरा दूसरा ये थोड़ा जहाँ शोर हो ना म्यूट कर दिया करें क्योंकि आपकी जब आप म्यूट नहीं करते तो फिर आपकी तरफ से जो आवाज़ें आ रही हैं सबको तो फिर समझ नहीं आती ना। तो बहरहाल मैं आपको ये बता रहा था कि क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो खानदानी पस मंजर ये था कि क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बिलोंग टू ए ट्रेडर फैमिली, उनके वो एक ट्रेडर फैमिली से उनका ताल्लुक था, तजारती उनके तजारत करने वाले खानदान था, ठीक है जी। और क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं इनके वालदैन जो थे ये गुजरात, अभी इंडिया में इंडियन गुजरात जो है वहाँ पे एक रियासत है काठियावाड़, जिसमें एक रियासतों मतलब उस वक्त एक थी इसमें मुख्तलिफ रियासत थी, काठियावाड़ कहा जाता था उसको, काठियावाड़ में चंद रियासतें थी, उनमें एक रियासत गोंदल भी थी और उस गोंदल रियासत के एक गांव था तनीली, तो क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ताल्लुक वहां से था, यानी क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ताल्लुक गुजरात सूबे से था, इंडियन गुजरात से। और उनकी आपकी आवाज यार आ रही है कहीं से, तो आपने म्यूट कर देना काइंडली। अच्छा तो सूरत हाल ये थी कि क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे ये एक तजारती खानदान था, इनके वालिद का नाम जिन्ना कुनिया था और उन्होंने माइग्रेशन की, जबकि कराची जो है ना किसी दौर में जो एयरपोर्ट था ये कलकत्ता एयरपोर्ट बड़ा मशहूर था, और सॉरी बंदरगाह सी पोर्ट, कलकत्ता वाज वेरी फेमस सी पोर्ट, तो उसी दौर में कराची अंग्रेजों ने ना सी पोर्ट बनाया और कराची सी पोर्ट बनाने से ये हुआ कि यूरोप से रास्ता ज़रा नज़दीक हो गया, तो कराची की आबादी फिर यकदम बढ़ी, बहुत सारे कारोबारी लोग यहाँ पे आए, शिफ्ट हुए, कारोबार यहाँ पे बढ़ा, जी तो मैं आपको ये बता रहा था कि क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो वालदैन थे जब ये कराची में इसलिए आ गए वालिद साहब क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जिन्ना पूंजा जिनका नाम था कि भाई कराची में बिजनेस बहुत ज़्यादा था, नई एयरपोर्ट नई बंदरगाह बनी थी और याद लग जाता होते थे, तो उनका ये कारोबार था, ये कारोबारी खानदान के साथ इनका ताल्लुक था। तो खोजा असल में इनकी फैमिली थी खोजा, ये खोजा फैमिली जिस तरह आपने सुना होगा बोरा फैमिली एक है, मेमन है, इस तरह के कुछ खानदान है ना वो बिजनेस कम्युनिटी के होती हैं और कारोबार करते हैं, तो क़ाइद आज़म के भी सारे जो खानदान के लोग थे वो कारोबारी ही थे। तो क़ाइद आज़म के ये जो वालिद हैं वो कराची में आ गए, उन्होंने यहाँ पे कारोबार किया, ठीक है ना जी। क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अंग्रेज़ों के वालिद के अंग्रेज़ों के साथ भी रिलेशन थे, ठीक है जी। तो क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फिर के वालदैन यहाँ पे आए या 1870 में कहीं के लगभग कहीं आए, और फिर क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये सात बहन भाई थे क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के, ठीक जी। तो क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब पैदा हुई है तो उसके बाद हम क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में जो हम जानते हैं कि उन्होंने सिंध मदरसतुल इस्लाम में तालीम हासिल की, ठीक है जी, ये ऑब्टेन्ड अर्ली एजुकेशन फ्रॉम सिंध मदरसतुल इस्लाम, ठीक है जी। और उसके बाद अब देखते हैं कि क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब ही व्हेन ही पास हिज मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, तो उनके वालिद चाहते थे कि क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनके कारोबार में उनका हाथ बटाएं,
और उनकी हेल्प करें। तो केदार मोहम्मद अली जना जो है उनको उन्होंने अप्रेंटिसशिप पे, अप्रेंटिस मीन से होती है कि लर्निंग बाय डूइंग, कि व्हेन यू डू डिड सम प्रैक्टिकल वर्क एंड देन यू लर्न, दैट इज कॉल्ड अप्रेंटिसशिप। ये मुख्तलिफ फैक्ट्रीज वगैरह भी कराती हैं। तो केदार के जो वालिद साहब जो थे उनकी, चूंकि ही हैज मैनी बिटर फ्रेंड्स, तो उनके तवस्सुत से वो बरतानिया में चले गए। लेकिन केदार मोहम्मद अली जना को ये काम पसंद नहीं था कि अप्रेंटिसशिप वाला ना, उनको वालदैन ने वहाँ पे भेजा कि अप्रेंटिसशिप करेंगे, कुछ काम सीखेंगे और फिर मेरी आके हेल्प करेंगे, बिजनेस ये नहीं करेंगे। तो केदार ने वहाँ जाके जो है ना, ही ऑब्टेन्ड एडमिशन इन लिंकन यूनिवर्सिटी इन फॉर द डिग्री ऑफ बार एड लॉ। उन्होंने वकालत की तालीम हासिल शुरू कर दी और उन्होंने बरतानिया की वन ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज ब्रिटेन, ये ऑब्टेन्ड लॉ लिंकन यूनिवर्सिटी। तो केदार मोहम्मद अली जना लिंकन यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन ले लिया और वहाँ पे उन्होंने कानून की तालीम हासिल शुरू कर दी। अच्छा, केदार मोहम्मद अली जना के जो जो है ना, जब वहाँ पे पढ़ रहे थे तो केदार मोहम्मद अली जना की जो वालद थी उसी वक्त फौत हो गई थी वहाँ पे, उनकी दौरान स्टडी, ठीक है जी, मुताले वहाँ पे बरतानिया में। तो इसी तरह उनके जो वालिद थे उनके कारोबार में उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ और केदार मोहम्मद अली जना को जब पता चला, फिर उन्होंने फैसला किया अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद कि मैं वापस हिंदुस्तान जाऊँगा और वहाँ पे अपना काम करूँगा। तो केदार मोहम्मद अली जना बैरिस्ट्री की तालीम हासिल करके, वकालत की तालीम हासिल करके वापस आए और फिर ये जब वापस आए तो इन्होंने जो है ना कराची में नहीं आए बल्कि ये मुंबई चले, और मुंबई में केदार मोहम्मद अली जना ने प्रैक्टिस शुरू कर दी वकालत की। और आपको मालूम होगा कि केदार मोहम्मद अली जना वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट लॉयर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, एंड ही वाज द मोस्ट कॉस्टली लॉयर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। केदार मोहम्मद अली जना जो थे वो हिंदुस्तान के चोटी के वकीलों में उनको शुमार होता था और ये इंतहाई महंगे तरीन वकील थे। तो ही वाज ऑनेस्ट एंड ही वाज द मैन ऑफ प्रिंसिपल, लेकिन भाई वकील बड़े महंगे थे तो आम बंदा हायर नहीं कर सकता था। और केदार मोहम्मद अली जना ने शुरू में जब वहां से वापस आए तो उन्होंने जो है वो वकालत की प्रैक्टिस शुरू की और केदार ने हर आखिर तक प्रैक्टिस जारी रखी, यानी आप कह सकते हैं कि 1940 तक तो अपनी प्रैक्टिस करते रहे, वकालत भी करते रहे। उनका जरिए मुआश वकालत था और केदार मोहम्मद अली जना जो है वो बहुत महंगे वकील थे, उनके पास पैसा भी बड़ा था। यानी आप अंदाजा लगाएं कि केदार मोहम्मद अली जना के कपड़े जो है उस दौर में बरतानिया से सिल के आते थे। और केदार मोहम्मद अली जना ये फखर से कहते थे कि एक दफा मैं जो सिल्क की टाई बांधता हूँ तो फिर सारी जिंदगी में उसे इस्तेमाल नहीं करता। और इसी तरह यानी कि उस दौर में कि जब लोगों की तनख्वाहें 5 रुपए 6 रुपए इस तरह की होती थी, केदार मोहम्मद अली जना जो है इनकी फीस जो है वो एक पेशी की शुरू में भी 500 रुपए लेते थे और बाद में फिर इससे भी बढ़ गई, ठीक है जी, और इनकी फीस घर निकलने से ही शुरू हो जाती थी। तो बहुत ज़बरदस्त जो के वकील थे और वकालत से केदार मोहम्मद अली जना ने बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाया। आपके आपका बंबई में भी घर था, बहुत ज़बरदस्त किस्म का घर बनाया, ठीक है, दिल्ली में भी घर बनाया और भी मुख्तलिफ बरतानिया में था, ठीक है जी, घर अपना था, ये सूरत हाल थे, फ्लैट्स थे मुख्तलिफ। तो बहरहाल ये तो हम केदार मोहम्मद अली जना के थोड़ा सा मैंने आपको निजी ज़िंदगी और उनकी एजुकेशन के बारे में बताया। तो हम देखते हैं कि अब केदार की हम सियासत की जानिब आते हैं कि केदार मोहम्मद अली जना ने ही इंटर इंटू पॉलिटिक्स and joined Indian National Congress. Keadaan Muhammad Ali Jinnah, he was interested in politics since he came to India after the completion of his education. He was much interested in the politics of India. But formally, he joined any political party or he started his political career by joining the All Indian National Congress in 1906. Later on,
he became the member of All India Muslim League, but he became the member of Muslim League in 1913, and then Qaid Azam Ahmad Ali Jinnah resigned from Indian National Congress in 1920. Means he was the member of Indian National Congress from 1906 to 1920. तो कह रहा था मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, अगर हम देखते हर बंदे की जिंदगी में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आती हैं, इंसान की जिस तरह फिजिकल चेंजिंग आती है ना, इस तरह इंसान की नजरियात भी तब्दील होते रहते हैं। आप एक दौर में किसी काम को या किसी चीज़ को जब अच्छे समझते हैं तो हो सकता है किसी जिंदगी के दूसरे हिस्से में आपकी सोच तब्दील हो जाए ना, तो ये सिलसिला चलता रहता है। तो कह रहा के साथ ऐसे हुआ, कह रहा मोहम्मद अली जिन्ना शुरू में He was the great propagator of composite nationalism. Qaid Azam Ahmad Ali Jinnah was the great propagator of composite nationalism, and he believed that all the communities residing in India, they are a single nation. ठीक है जी, they are a single nation. Nations are based on territory and not on the religion or any other thing. यानी कि नज़म अहमद ये समझते थे कि हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम अफराद एक कौम है, और उनका एक ख्याल ये भी था कि चूंकि एक कौम है और अंग्रेज गासिब हैं, बाहर से आए हैं, तो यहाँ के लोगों को स्ट्रगल करनी चाहिए अंग्रेजों के खिलाफ। ये उनका एक ख्याल था कि मुसलमानों अंग्रेजों के साथ के साथ स्ट्रगल करनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के आइन के दायरे में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए, और अपने ज्यादा से ज्यादा हकूक हासिल करने चाहिए, और वो इस बात के अंग्रेजों के साथ तावन करने के मुखालिफ थे। यही वजह है कि मैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग केम टू बीइंग, क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपोज द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। 1906 में आपको पता ही है कि 30 दिसंबर और 13th of December 1906 political party of the Muslims at center level came into being. It was named as All India Muslim League. So, कह रहा था मोहम्मद अली जिन्ना भाई शुरू में मुस्लिम लीग में शामिल नहीं हुए, बल्कि उन्होंने मुस्लिम लीग की जो फॉर्मेशन है जब इसको तनकीद का निशाना बनाया, और उनका ये ख्याल था कि that political party was formed under the umbrella of Britishers. And Britishers, it is the part of the policy of divide and rule. बरतानिया वाले हिंदुस्तान के लोगों को तकसीम करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने मुस्लिम लीग की हमायत की और ये पार्टी बनी है। इसी तरह 1905 में जब मुसलमान तकसीम बंगाल के हक में थे, तो क़ाइद आज़म ने तकसीम बंगाल की भी मुखालफत की थी, और क़ाइद आज़म मोहम्मद अली कहते थे कि नहीं भाई, हिंदुस्तान में तमाम लोग एक कौम है, हिंदू हमसे मुख्तलिफ नहीं है, वो भी हमारे साथ हैं, हिंदू और मुसलमान एक कौम है, और इनको अंग्रेजों के खिलाफ स्ट्रगल करना चाहिए। तो मुस्लिम लीग कहती थी कि मुसलमान एक अलहदा कौम है, और मुस्लिम लीग ये कहती थी कि जो है ना उनका आपने उनके अगर आप पढ़ें मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन के वक्त जो उनके ऑब्जेक्टिव थे, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुस्लिम लीग वाज टू इनकल्केट द फीलिंग्स ऑफ लॉयल्टी अमंग द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट और द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये एक तीन ऑब्जेक्टिव में, मेजर ऑब्जेक्टिव में ये उनके एक ऑब्जेक्टिव था कि हिंदुस्तान के लोगों को ताज बरतानिया का गुलाम बनाना, या ताज बरतानिया की मोहब्बत जो है ना इन लोगों के दिलों में पैदा करना। That was one of the objective of All India Muslim. तो क़ाइद आज़म पे कहते थे भाई ये कैसी पार्टी है जो ये कहती है कि हम अंग्रेजों के वफादार रहेंगे और हम लोगों को अंग्रेजों का वफादार बनाएंगे। तो इस बुनियाद पे क़ाइद आज़म ने इस पार्टी की एक तरकीब का निशाना बनाया और वो कांग्रेस में शामिल हो। अच्छा, बाद में फिर क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो मुस्लिम लीग में भी शामिल हुई है, लेकिन इस शर्त पे भी अगर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान कोई मसला हुआ तो मैं जो है वो मेरी हमदर्दियाँ कांग्रेस के साथ होंगी। ठीक है जी। और जब 1913 में क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हुए तो उन्होंने कांग्रेस की रुकनियत नहीं छोड़ी, बट ही स्टिल वाज द मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और उसके बाद हम देखते हैं कि क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कोशिश की कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के करीब आए, इनके दरमियान कोई मुआहदा हो और ये मिल के अंग्रेजों के खिलाफ स्ट्रगल करें। और फिर हम देखते हैं कि क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिश रंग लाई, और इन 1916 एन एग्रीमेंट वाज टुक प्लेस बिटवीन द मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस व्हिच वाज नोन एज द लखनऊ पैक्ट। इन 1916 लखनऊ पैक्ट
was formed or signed by the Muslim League and Indian National Congress. और ये लखनऊ पैक्ट हुआ, इसमें पहली मर्तबा मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस थी, ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के करीब आ गए, ठीक है ना जी। तो ये सारा सहरक यानी दोनों पार्टी ने मिल के अपने मुतालबात अंग्रेजों को पेश किए। तो ये सारा सहरा किसको जाता है जी? ये सारा सहरा कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के सारे के उन उनको ये सहरा दिया गया कि ये सारा क्रेडिट कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कि उनकी कोशिशों की वजह से ये ऐसा मुमकिन हुआ। वगैरह मुस्लिम लीग जो थी वो तो अंग्रेजों के बहुत करीब थी और कांग्रेस वाले जी कहते थे कि ये अंग्रेजों के पिट्ठू हैं और उनका ये ख्याल था कांग्रेस का और इवन कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का भी किसी दौर में कि मुस्लिम लीग वाज फॉर्मड बाय द ब्रिटिश फॉर देयर ओन बेनिफिट। तो कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना जब लखनऊ पैक्ट कराया तो इस बुनियाद पर उनको लकब दिया गया अम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफीर का उनको जो है ना वो टाइटल दिया गया कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को इस लखनऊ पैक्ट की वजह से, ठीक है जी। तो शुरू में मैंने आपको ये बताया कि कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना दो कौमी नजरिया के हक में नहीं थे बल्कि उनका ये ख्याल था कि हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोग एक कौम हैं और मुसलमान उनसे कतई मुख्तलिफ नहीं हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर वर सर्टेन इंसिडेंट्स व्हिच टुक प्लेस एंड व्हिच फोर्स्ड कैद आजम व्हिच कंपेल्ड कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना टू थिंक ऑन अनदर वे एंड ही बिगन टू थिंक दैट नो there are not a single nation living in the subcontinent but there are two nations and the second nation is Muslims, one is Indians Hindus and the second is Muslims are quite separate from the other communities which residing in the India or which living in the India lekin yani aakhir mein hum dekhte hain ki shuru mein to unka ye nazariya tha Hindustan mein rehne wale tamam log ek qoum hain lekin ek waqt phir aisa aaya कि कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना इस नतीजे पे पहुंचे कि हिंदुस्तान के लोग भाई एक कौम नहीं है, मुसलमान जो है वो एक अलग कौम है। और फिर जब कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना इस नतीजे पे पहुंचे तो फिर उन्होंने इसके लिए स्ट्रगल भी की मुसलमानों के लिए कि मुसलमान अगर अलग कौम है तो उनका वतन भी अलग होना चाहिए, ठीक है जी। और फिर उसमें कामयाब भी हुए, कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने वतन ले भी लिया मुसलमानों के लिए अलग। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को ये मजबूर किया, कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को इस बात पर सोचने पर मजबूर किया कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान जो हैं वो एक अलहदा कौम है। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे लेकिन इससे पहले अगर आपको कोई सवाल हो तो वो आप कर सकते हो। Any question please, यहाँ तक जो हमने पढ़ा है आप अपना question अगर आपका कोई हो तो आप करें ताकि हम आगे चलें। Are you listening me? मेरी आवाज आ रही है जी आप तक? Yes sir. Yes sir. चले सर काइंडली ये बता दें कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह के होंगे, क्या हमसे यही पूछा जाएगा द राइज ऑफ सप्रेशन ऑफ मुस्लिम्स या 14 मतलब वो क्वेश्चन सर किस तरह का होगा सर काइंडली अगर आप वो समझा दें या एक लिस्ट बना दें कि सर इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं पेपर में वो फिर सर हमें व्हाट्सएप सेंड कर दें आपकी सर बड़ी मेहरबानी होगी। मैं जब टॉपिक पढ़ा दूंगा ना जब आपको बिल्कुल सर फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर यही टॉपिक पेपर में आए तो सवाल किस तरीके से बन सकता है। वो तो सर अभी मतलब दो तीन टॉपिक तो हो गए हैं, द राइज ऑफ मुस्लिम सेपरेटिज्म वो हो गया है और सर हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना इसके बारे में जो सवाल बना लो मैं कैसे बनाया जा सकता है वो मैं आपको बता दूंगा। दूसरे ठीक है सर, जो पिछले टॉपिक गुजर चुके हैं
रफ कॉपी पे सर एक पेज में वो सर काइंडली लिख के वो सर पिक्चर व्हाट्सएप पे अपलोड कर दे आपकी सर बड़ी मेहरबानी होगी। अभी आप ऐसे किसी ने सवाल किए तो मैंने बता दिया, ये शुरू में मैंने 10 मिनट को ही बताया, मैंने कहा आप में से यही सवाल मुझे किसी ने किया है कि पिछला हमने क्या पढ़ा, तो मैंने बड़ी डिटेल के साथ उनको बताया, पता नहीं आपने ये सवाल किया या किसी ने भी किया है, डिटेल के साथ मैंने बताया जी कि हम सेपरेटिज्म अहमद साहब हुसैन सेपरेटिज्म के बारे में पढ़ा, फिर हमने टू नेशन थ्योरी के बारे में पढ़ा, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बारे में पढ़ा, असल सही पाकिस्तान के बारे में पढ़ा, इसके बारे में डिटेल सर हम में से कुछ बच्चे लेट हो चुके हैं और कुछ ज्वाइन नहीं कर पाए टाइम पर, तो काइंडली अगर आप जितने भी टॉपिक्स अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं आप उनके नाम एक सफ़े पे लिखकर उसको व्हाट्सएप कर दें, उससे ये हो जाएगा कि हम लोग गूगल कर लेंगे या किताब खरीद कर उससे स्पेसिफिकली अपने तौर पर पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम में से काफ़ी बच्चों की काफ़ी क्लासेस नहीं अटेंड हो सकी, तो अगर आप ऐसा कर दें आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू सर। ठीक हो, अभी भी देखे ना आप 16 स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट्स क्यों नहीं है क्लासेस दे रहे, ये मुझे समझ नहीं आ रही। तो हो रहा है अजय क्या रेगुलर रह रहे सारे, आप 70 की क्लास है तो 16। जी जी सर, तो फिर आप ये जो बात कह रहे हैं कि जो इंटरेस्टेड होंगे वो ले लेंगे, सर ये बात बिल्कुल एक अंदाजे के मुताबिक है, इन तो अपना वो ये गलत है सर, ये हम कोशिश करते हैं 10-12 मिनट तो हमें कनेक्ट होने में लग जाते हैं सर, इतना मसला आ रहा है एलएमएस पर, तो काइंडली सर अगर आने वाले क्लास में माइक्रोसॉफ्ट टीम नहीं एलएमएस पे तो नेट पे तो कोई मसला नहीं, ये तो बेहतरीन है, क्योंकि मैंने ये अंदाजा लगाया कि इस पे कुछ भी करे थोड़ा बहुत भी कुछ सिग्नल हो तो बना कनेक्ट हो जाता है। वैसे सर वो आपका ठीक है सर, पर काइंडली सर अगर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे आने वाले क्लासेस अगर वो हो जाते हैं तो सर उस पे रिकॉर्डिंग भी साथ साथ नहीं, अभी देखिए ना आप ही में से कहते हैं वो अकरम साहब ने सब टीचर्स को कहा है जी कि आप एलएमएस पे क्लास दे दें, क्योंकि रिकमेंडेड ही है आपके लिए हमारे लिए, और ये यूनिवर्सिटीज की है हवाले से। जहाँ भी ले, लेकिन सर जो टॉपिक है सर टॉपिक के मुताबिक सर क्वेश्चन लिखवा दे के इस ठीक मैंने आपको व्हाट्सएप किए भी हैं, मेरी बात सुने, वो जो टॉपिक है वो व्हाट्सएप में मौजूद है, मैंने एक दिन आपको किए टॉपिक व्हाट्सएप। मैं सर अब मेरी सर बात को सर समझने की कोशिश मैं कह रहा हूँ कि सर वो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है कि हमारे पास तमाम के तमाम कोर्स कंटेंट मौजूद है, अब सर अगर हम सिर्फ और सिर्फ सेपरेटिज्म और ये मुस्लिम सेपरेटिज्म अगर सर इस बारे में हम पढ़ना चाहे तो सर इसमें तो सर पूरी पूरी किताब सर इसमें बंदा लिख सकता है, यानी कि पूरी पूरी किताब इसमें मौजूद होती है, लेकिन सर जो मेन मौजू होता है कि उस राइज मतलब उसकी काज एंड इफेक्ट हम लोग लिखें या हम लोग इसके जनरल इंट्रोडक्शन लिखें, भाई हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन कि भाई क्या चीज़ है राइज ऑफ मुस्लिम सेपरेटिज्म या उसके हम लोग काज एंड इफेक्ट लिखें, तो सर काइंडली इस बारे में बता दें कि हम लोग किस हवाले से हम लोग इस टॉपिक को तैयार करें। यानी ज्यादा जो क्वेश्चन आएगा तो इस तनाजुर में आप आएगा ना, यानी आपके जो क्वेश्चन होंगे याद रखें डिस्क्रिप्टिव कम होंगे एनालिसिस ज्यादा होंगे। मसलन मैं आपसे ये कहता हूँ जी के जो है ना हिंदू मुस्लिम, मसलन मैं आपको सेपरेटिज्म के हवाले से सवाल बताता हूँ, आप जो आप कह रहे हैं तो लेक्चर अगर आपने सुनो तो उसमें मैं आपसे ये सवाल पूछ सकता हूँ। मसलन मैं ये कहता हूँ कि दो कम्युनल वॉर्स वर स्टिल एग्जिस्टेड इन द सब कॉन्टिनेंट बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स, ठीक है, बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एस्केलेटेड द कम्युनल वॉर्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक सर्टेन स्टेप्स व्हिच एस्केलेटेड द कम्युनल वॉर्स और व्हिच डिवाइडेड द मुस्लिम्स इन इंडिया, एनालाइज द सर्टेन स्टेप्स व्हिच वर टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट व्हिच वर रिस्पांसिबल फॉर द communal violence in the subcontinent, ठीक है। ये आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो तीन तीन चार चार लाइन के क्वेश्चन होते हैं, यानी जो तरीकेकार होता है कि पहले आपको थोड़ा सा बताया जाता है, ठीक है, ये एक लाइन के सवाल नहीं होते हैं।
यानी कम से कम मैं तो जो बताता हूँ तीन चार लाइनों पे आपके सवाल होते हैं जो आपके एनुअल में या मिड में आते हैं ना डिटेल के साथ। यानी मैं मतलब आपसे ये पूछता हूँ कि भाई हिंदू और मुसलमान जो थे ना ये शुरू से ही अलग थे, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अंग्रेजों ने कौन कौन से ऐसे काम किए कि जिसकी वजह से हिंदू और मुसलमानों में मजीद खलीज बढ़ी, मजीद जो है उनमें इख्तलाफात बढ़े और उनमें दूरियां बढ़ी, तो कौन कौन से सबब से कि सर, अंग्रेजों ने जो लिए सर सबसे पहले उन्होंने सर मजहब का वो इस्तेमाल किया, मजहब कार्ड इस्तेमाल किया। उन्होंने सर दूसरे नंबर पे यानी कि सर कौन से लोग पॉपुलेशन किन की ज्यादा है, अक्सरियती अक्सरियत यानी कि गवर्नमेंट किन की ज्यादा है, वो तो सर इंडियंस की ज्यादा थी। तो उन्होंने कहा जिनकी हुकूमत ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा होगी वही लोग जो है वो रूल करेंगे सर। दूसरा फैक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। तीसरा फैक्टर ये था कि मुसलमान जो थे वो यानी कि वो अंग्रेजों की बात नहीं मान रहे थे, वो तालीम इंग्लिश तालीम वो हासिल नहीं कर रहे थे, और इंडियंस जो थे वो सर उनकी तमाम बातों पे जो ना अमल कर रहे थे, बातों को मान रहे थे। चले मैं थोड़ा सा बता देता हूं, फैसल बात करें ना आप। यस सर बिल्कुल सर। हां अच्छा मैं ये बता रहा हूं, मसलन आप देखें मैंने आज आपको मिसाल दी है कि अंग्रेजों ने जो मुसलमानों के लिए कहा जी कि मुसलमानों का जो है ना वोट मुसलमानों की सीटें अलग होंगी, जुदागान इंतखाबात जिसे कहते हैं, एक मिसाल मैं दे देता हूं, और मुसलमानों के लिए जो वोट होगा देने वाले लोग वो भी अलग सिर्फ मुसलमान होंगे और कोई नहीं देगा। अब इससे क्या हुआ कि इस जो कम्युनल बैलेंस है जो हिंदू और मुसलमानों में डिवाइड और बढ़ गई ना, अब मुसलमान मुसलमान के वोट का जो का मुताबिक नहीं है उसे वोट देने मुसलमान ने, तो वो किसके लिए काम करेगा जी, मुसलमान के लिए काम करेगा सिर्फ। देखिए ना एक इलेक्शन में आपको कहा जाए जी कि एक एरिया है मतलब वहां पे कुछ कौमें रहती हैं, तो वहाँ पे मतलब जी वहाँ पे कुछ कौमें रहती हैं, गुज्जर रहते हैं, भट्टी रहते हैं, सैयद रहते हैं, आवाम रहते हैं, उनमें कहा जाए जी कि सिर्फ जो है ना आपको वोट देंगे भट्टी, आप तो फिर उनके लिए काम करेंगे ना, हर वक्त उनके पास जाएंगे जी मेरा जो है ना, क्योंकि वोट जब आपने उनसे लेने। तो अंग्रेजों ने जानबूझ के जी किया कि हमें हालांकि दुनिया में कहीं भी मजहब के नाम पर तो वोट नहीं होता ना, उन्होंने कहा जी मुसलमान मुसलमान को वोट देगा, हिंदू हिंदू को वोट देगा। इससे क्या हुआ कि इन दोनों के दरमियान इख्तलाफ आ, आप सोचें अगर एक मुसलमान मुसलमान को हिंदू भी वोट देता तो मुसलमान जो है वो थोड़ा सा टॉलरेंस का मुजाहरा करता ना, या हिंदू को भी अगर मुसलमान वोट देता तो वो भी थोड़ा वो सवाल से टॉलरेंस का मुजाहरा करता। लेकिन इन्होंने कहा नहीं जी मुस्लिम लीग में जो लोग होंगे वो ही इलेक्शन लड़ेंगे मुसलमानों के लिए और उन्हीं को हक हासिल होगा या मुसलमानों का हक हासिल होगा। तो इससे क्या हुआ कि इससे जो है ना वो हिंदू और मुसलमानों के दरमियान खलील पड़ी। अच्छा अब आज जो मैं आपको टॉपिक बढ़ा रहा हूँ इसके बारे में सवाल ये पूछा जा सकता है कि कैदर मोहम्मद अली जिन्ना आर द ग्रेट प्रोपगेटर ऑफ कंपोजिट नेशनलिज्म बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ही कम टू वर्ड द टू नेशन थ्योरी। ठीक है जी सर, व्हाट वर द डिफरेंट फैक्टर व्हिच वर रिस्पांसिबल टू ब्रिंग कैदर मोहम्मद अली जिन्ना टू वर्ड टू नेशन थ्योरी, कि कौन कौन से ऐसे जो है ना वो फैक्टर थे, कौन कौन से ऐसी बातें हुई उन्होंने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए जोर दिया, उन्होंने लखनऊ मैदान कराया, ये सारी बातें की, और उसके बाद आप वो फैक्टर फिर आखिर में लिखेंगे जो कभी हमने नहीं पढ़े कि जिनकी वजह से कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना नतीजे पे पहुंचे। वैसे जो उन्होंने ज्वाइन किया था मुस्लिम लीग के, और कांग्रेस ने
बीच में कोई फोर्स वगैरह या इस तरह की जबरदस्ती करने की कोशिश की कई ज्यादा के दरमियान रास्ते में? नहीं, कैद आदम तो है ना शुरू से कांग्रेस के हक में थे, कैद आदम मोहम्मद जनाह तो मुस्लिम लीग के शुरू से मुखालिफ थे। 1913 में कैद आदम ने कांग्रेस में जो मुस्लिम लीग में शमूलियत की, उसकी वजह क्या है? मुस्लिम लीग में शमूलियत इस वजह से की थी ना कि जब देखा गया कि जो कांग्रेस है वो असल में जो है हिंदुओं के लिए काम करती है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जी, आपका ख्याल है ना, दिस इज योर एनालिसिस ना, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कैसा नहीं है, कैसे नहीं है कि अगर कैद आदम ये समझते कि कांग्रेस हिंदू के लिए काम कर रही है इसलिए मैं मुस्लिम लीग ज्वाइन करता हूँ, ये किताबी बातें हैं, शायद आपके कोर्स की किताबों में लिखा हो, लेकिन हकीकत किसके साथ तल्लक इसलिए नहीं है कि कैद आदम ने 1913 में कांग्रेस मुस्लिम लीग ज्वाइन की, लेकिन 1920 तक वो कांग्रेस के रुकन रहे। अगर कैद आदम समझते कि कांग्रेस एक अच्छी पार्टी नहीं है, कांग्रेस मुसलमानों के इस्तेहसाल कर रही है और कांग्रेस मुसलमानों के हकूक के लिए काम नहीं कर रही है, तो उन्हें 1913 में कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए था। But he still he remained the member of Indian National Congress till 1920. और उसके बाद उनके साथ तालुकात है, ऐसी बात नहीं है। कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने जो मुस्लिम लीग ज्वाइन की, पहले मैंने आपको बताया शुरू में कि कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के खिलाफ, के कैद आजम चूंकि बड़े एक अहम लीडर बन चुके हैं, बड़े ज़हीन नौजवान उस वक्त का बड़ा नाम था उनका, तो मुस्लिम लीग वाले चाहते थे कि ये बंदा अगर हमारे यहाँ शामिल हो जाए मुसलमान तो हमारा बड़ा फायदा होगा। कैद आलम को जब अप्रोच किया गया तो कैद आलम ने कहा जी भाई मैं तो आपकी पार्टी में शामिल नहीं होता, मुस्लिम लीग वालों को कहा, इसलिए नहीं होता कि आपके जो ऑब्जेक्टिव है ना दे आर नॉट सूटेबल, ये जो आपके मकासद हैं कि अंग्रेजों का वफादार हमने सारी जिंदगी रहना है और लोगों को अंग्रेजों का वफादार बनाना है, ये भाई कौन सी जमात और क्या तरीकाकार है, तो पहले यू शुड चेंज योर ऑब्जेक्टिव्स, अपने जो मुस्लिम लीग के जो मकासद हैं ना ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको चेंज करो तो मैं तो तब शामिल होता हूँ। और फिर मुस्लिम लीग के ने कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर अपने ऑब्जेक्टिव चेंज किए और ये अंग्रेजों के साथ वफादारी वाला ऑब्जेक्टिव जो है ना बिला मशरूत अंग्रेज, यानी हमारे जो मुस्लिम लीग के अगर आप ऑब्जेक्टिव पढ़े मकासद, तो उनके शुरू में जो मकासद थे उनमें एक ये था कि अंग्रेजों के साथ हमने गैर मशरूत वफादारी रख ली है, यानी अंग्रेज हमें मारे हमें डंडे लगाएं जो मर्जी करें हम उनके वफादार रहेंगे और हाथ जोड़ कर उनके सामने बैठते रहेंगे, ये उनका जमात का जो ऑब्जेक्टिव थे ये थे। तो कैद आजम ने कहा भाई ये कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, और कैद आजम के कहने पर उन्होंने ऑब्जेक्टिव तब्दील किए, फिर उसमें जो है ना हुई। और फिर हम देखते हैं कि कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो कांग्रेस से निकले उसकी वजह ये थी कि उनके गांधी के साथ इख्तलाफ हो गए थे, कैद आजम तहरीकी खिलाफत में जो है ना की बुनियाद पर उनके इख्तलाफ हुई है, गांधी तहरीक खिलाफत के रुकन थे। 1920 में आपको पता ही होगा कि एक तहरीक चली जिसे तहरीक खिलाफत कहते हैं, और ये जो तहरीक चली ये इसलिए चलाई के तुर्की की खिलाफत को बचाने के लिए, तो मुसलमानों की जो खिलाफत थी ना तुर्की उसको तुर्की में, तो गांधी इसके लीडर बन गए, रुई रवाम बन गए, तो गांधी ने एक जो है ना हुकूमत पे दबाव डालने के लिए एक तहरीक चलाई थी जिसे कहते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अदम तआवुन की तहरीक, कि भाई अंग्रेजी स्कूलों को बाइकाट करो, अंग्रेजों की कोई चीज़ इस्तेमाल ना करो, अंग्रेजों के कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में बच्चों को ना भेजो, ठीक है जी, अदालतों को बाइकाट कर दो, ये सारी बातें कहेंगे, इसे कहते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो कह रहा था मोहम्मद अली जिन्ना इस तहरीक के चलाने के खिलाफ थे, वो कहते थे भाई इससे बड़ा नुकसान होगा अगर आप बच्चे निकालेंगे स्कूलों और कॉलेजों से, तो बच्चे हमारे मुसलमानों को किधर जाएंगे हिंदुओं के, तो इसी तरह पहले यादों के लिए कोई इदारे बनाए जाए फिर निकाले जाए, तो ये बुनियाद बनी। इस बुनियाद पे जब कांग्रेस ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पास की गांधी के कहने पे, तो कह रहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने इस बुनियाद पर कांग्रेस से इस्तीफा दिया। ओके सर, अच्छा अब टाइम भी बड़ा थोड़ा रह गया जी, अभी तो चलें हम थोड़ा और पढ़ते हैं, मेरे ख्याल में 59 तक 7 मिनट हैं, 6 मिनट हैं, तो बाकी नेक्स्ट इसको इंशाल्लाह कवर करेंगे। अच्छा हम देखते हैं कि कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, मैंने आपको इस तरह बताया कि ही वाज द ग्रेट प्रोपगेटर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड ही मेड स्ट्रेनियस एफर्ट टू ब्रिंग दीज टू कम्युनिटी टुगेदर, ठीक है जी, एंड टू सम एक्सटेंट ही वाज सक्सेसफुल बिकॉज इन 1916 फॉर द फर्स्ट टाइम द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग केम क्लोजर and they unanimously passed a pact which was later
which was called as Lucknow Pact, and that all was happened due to the efforts, strenuous efforts of Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah. ठीक है जी. अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah 1920 में कांग्रेस से रिजाइन कर देते हैं. ठीक है जी. कांग्रेस से रिजाइन क्यों करते हैं? That I have already told you. कांग्रेस से उन्होंने रिजाइन क्यों किया? कांग्रेस को से उन्होंने रिजाइन इसलिए किया कि Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah शुरू में सियासत में मजहब को लाने के कायल नहीं थे ना. वो कहते थे कि मजहब की बुनियाद पर सियासत नहीं करना चाहिए, गांधी मजहब की बुनियाद पर सियासत कर रहा है और इस तरह की बात है ना. और Qaid Azam को इतने ज्यादा तहरीकी खिलाफत के हक में भी नहीं थे. वो कहते थे कि ये आउटसाइडर एक मूवमेंट है खिलाफत बचाने के लिए तुर्की की, तो इसकी हिंदुस्तान के साथ क्या ताल्लुक. तो ठीक है ना जी. तो इतना ज्यादा में रोल Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah का तहरीकी खिलाफत में नजर नहीं आता, उनके एक अपना स्टांस था. अच्छा, फिर हम देखते हैं कि Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah सियासत में तो रहते हैं लेकिन कुछ अर्सा पस मंजर में चले जाते हैं, क्योंकि ये जो दौर था 1920 और 1920 21 22 का, ये साल जो है ना, ये हड़ताल जलसे जलूस और इस तरह की सियासतों का था. और Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah जो है ना, वो इस तरह की सियासत को पसंद